हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? तो व्यूअर्स, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जो कि इंडिया से हमारे एक क्लिक ने भेजी है और हमें कहा है कि इस पर रिएक्शन दो और बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है क्योंकि उसका टाइटल है डू इंडियंस वांट टू विजिट पाकिस्तान। तो क्या इंडियंस पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं? हाँ, और क्योंकि यहाँ पर भी तो हम क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या पाकिस्तान इंडिया विजिट करना चाहते हैं, तो बड़े मजे मजे के जवाब आते हैं। तो एंकर जाकर लोगों से पूछते हैं ना कि आप इंडिया जाना चाहते हैं। हाँ, तो कितने मजे के जवाब आता है, तो उम्मीद है कि वहाँ के भी जवाब इसी तरह इतने मजे होंगे। ये तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। बहुत से पॉजिटिव जवाब भी होते हैं, बहुत से नेगेटिव जवाब भी होते हैं, बट देखते हैं कि इंडिया के कैसे जवाब। इंडिया के हमारे लोग ज्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं, क्या ख्याल है? 100 में से तकरीबन 5-6 ऐसे लोग मिलते होंगे जो नेगेटिविटी में यकीन रखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम फतह कर देंगे, हम जाकर एंड कर देंगे, वो वाले लोग मिलते हैं। तो चले वीडियो की तरफ, चलो वीडियो शुरू करते हैं। 1, 2, 3 लेट्स स्टार्ट। आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाकिस्तान विजिट को लेकर हमने इंडियन पब्लिक से उनके जेन्युइन व्यूज पता कर रहे हैं। इस वीडियो को आप सब एंड तक जरूर देखें जिससे जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मिस ना हो, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ट्रेन में सेम एडवाइस है कि अपनी मीडिया को तो बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। सुसाइड मैं कहने लगा, पहले सुसु करना हो तो मैं इंडिया में कर लूं, मैं वहां को जाऊंगा। हेलो एवरीवन, आज हम आए सीपी और आज हम जानेंगे इंडियंस के व्यू रिगार्डिंग पाकिस्तान की, उन्हें पाकिस्तान में क्या पसंद है और वो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं तो क्यों। वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली बहुत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनकी एक एडवाइस भी पहुंचाएंगे पाकिस्तान तक। हाय एवरीवन, आप सबके नाम जान सकते हो? रवि, भावना। नाम बहुत मुश्किल होते हैं इनके ना। चिंटू, दीपक, अंकुश शर्मा, उदय, माय नेम इज अनस्तवीम, हाय आई एम सेजल, अपूर, मन्नत, ये मुस्लिम है, रियाज आलम अमन, सौम्या। मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अबाउट पाकिस्तान। आपको एक चीज पसंद है जो पाकिस्तान के बारे में आप दोनों को पसंद होगी, कोई भी ऐसी चीज है? वहाँ का जेस्चर, जो मतलब हॉस्पिटैलिटी, जो बहुत सेम है। इंडिया में भी वही हॉस्पिटैलिटी है, पाकिस्तान की भी वही हॉस्पिटैलिटी है, वो लोग भी गेस्ट को बहुत ऑनर करते हैं, बस यही चीज। वैसे बहुत सारी चीजें सिमिलर है ना हमारी, जो नॉर्मल पीपल है वो भी जो यही चाहते हैं, जो हम चाहते हैं पीस चाहते हैं, हम भी वही पीस चाहते हैं, दोनों में ही कॉमन है बहुत। कोई भी चीज पसंद है? कोई नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं पसंद। अबे यार, एक्चुअली मैं आज तक वहाँ गया नहीं, तो इसलिए मुझे जाने में ना वहाँ का कुछ सोचने में ही बड़ी दिक्कत है मुझे। मैं तो वैसे ही इंडिया में, तो मैं यहाँ पे ठीक हूँ, वहाँ के लिए मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। नो, कुछ भी नहीं, राइट है, कुछ ही पसंद नहीं। पहली बात तो आई थिंक द नेचुरल पसंद नहीं, बजरंगी भाईजान वाले पाकिस्तान अच्छा था। अरे नेचुरल ब्यूटी, नथिंग, इतना सोचा नहीं कभी पाकिस्तान के बारे में। कुछ भी नहीं पसंद, तो सोचो ना यार, हमारे बारे में सोचा करो यार, कुछ भी नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं इंडिया वाली लड़कियां। देखा जाए तो वहां कहता ये भी कुछ भी नहीं, स्टूडेंट भी कह रहे कुछ भी नहीं, क्रिकेटर्स काफी अच्छे हैं, बस वही लोग अच्छे लगते हैं और कोई नहीं। वैसे टेररिज्म, हां क्रिकेटर तो भाई बहुत अच्छे हैं, पसंद भी नहीं करता वहां जाना, वहां के भी बहुत अच्छे हैं। भाई टेररिज्म कहां से आ गई, क्या हो गया आपको? हम जिंदा अभी तक, तो हमें कुछ नहीं हुआ, तो आपको कुछ नहीं होगा? हां ना, चल लेंगे उसमें क्या, फ्री है तो चल लेंगे। यस ऑफ कोर्स, आ जाओ आ जाओ, हां वेलकम करते हैं, हम जो आना चाहे आ सकता है, स्पेशल हमारे पास है, हम आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चाय शाय पिलाएंगे आपको। रीजन क्यों नहीं जाएंगे? बस नहीं जाना, बेकार बन रही एकदम, एकदम ये भी कह रहा है, बिल्कुल नहीं, नहीं हो बिल्कुल भी नहीं, नहीं का नेचर थोड़ा सही नहीं है तो। बट क्यों नहीं जाओगे यार, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो मिल रहा है, नेचर हमारा सही नहीं, अच्छा वाला तो नेचर है यार, हम बहुत वेलकमिंग लोग हैं यार, हमारे साइड है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ यार, हम भी तो आना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी का इशू है, दोनों है, सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी का कौन सा इशू है? हम आपको तो नहीं खा जाएंगे, 22 करोड़ लोग जिंदा है तो आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं वहां को जाऊंगा, नॉर्मल बात है तो। ओके, बिल्कुल, ये एंकर देख कितनी खुश हो रहे हैं यार, इसको तो पॉजिटिव रहना चाहिए ना, फ्री अकोमोडेशन, फ्री, बिल्कुल नहीं जाना, कभी नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिकॉज़ दे आर सिक्योर, नो नॉट फॉर सिक्योरिटी, पाकिस्तान फ्री मिले सब कुछ तो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, जा ही नहीं, आ ही नहीं रहा, मत आना इधर, पठान में बहुत ज्यादा है, शक्ल से थोड़े ना पता चलेगा इंडियन और पाकिस्तान, जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा यार, यार जाऊंगा।
कभी भी नहीं। इसका माइक भी फट गया? बिल्कुल नहीं। क्यों, सिक्योरिटी इश्यूज? सही बात की इस लड़के ने, शक्ल तो थोड़ी पता लगता है। एम्पावरमेंट नहीं है और ऊपर से दे ट्राई टू कॉपी के लिए, ये भी नहीं जाना चाहिए। मेरे को कहीं ऑप्शन मिल गई तो मैं कहीं और बेटर करने। अरे यार, सबको आजादी है भाईजान, जिस जिसने जिंदगी गुजारनी है हमें भी आजादी है। मैंने एम्पावरमेंट हासिल है। कभी नहीं, नेवर, पाकिस्तान कभी नहीं। क्यों, ये नेगेटिविटी है यार। हम कहां से आपको दहशतगर्द लगते हैं? नहीं कोई ऐसी यार, ये इन लोगों का नजरिया क्या भला, थोड़े से लोगों की वजह से सबको करना ये गलत बात है यार। क्या कहती हो ना, ऐसे ही है। कुछ मिल भी रहा है वहाँ से हमें, कुछ मिलेगा जाओ फ्री, क्या मतलब सन्नी है, बड़े वाह, कुछ भी मिले तब भी नहीं जाना वहाँ तो। आओ हम लोगों के यहाँ पर आके नोट किया, ज्यादातर लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव करते हैं ना। ऐसे ही शहर है तो इसलिए मुझे नहीं, वहाँ पाकिस्तान कंट्री जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसकी जगह कोई और कंट्री चले जाए, जैसे की श्रीलंका बेटर है। तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं यार, क्या पॉजिटिव मैन, पॉजिटिव रहो यार, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने अपने प्राइम मिनिस्टर का विश्वास मत करो, बस वही ट्रस्ट इश्यूज, मतलब ये मत करो जो वो बोल रहे हैं वैसा ट्रस्ट मत करो, कि ऐसे है वैसे है, अपना ओपिनियन देखो। ये सही बात कर रही है, पॉलिटिक्स पे नहीं है आपको यकीन करना चाहिए, लोग हम सेम ही है, उधर भी सेम लोग है, इधर भी सेम लोग है, तो यार पॉजिटिव रहे प्लीज। वो वही दिखाती है जो उसे गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। अपनी हद में रहे, वो ज्यादा उड़े ना। एग्जैक्टली सेम टू सेम मीडिया पे भी ऐसे ही है, मतलब उनका बिहेवियर सही हो, जैसे हम इंडियंस का सबका है, उनका बिहेवियर इंडियन जैसा हो यार। इंडियंस का बिहेवियर मतलब स्वीट, जैसे हम किसी से दुश्मनाई नहीं रखते। पाकिस्तान और इंडिया उसका मैं तो बस एक चीज कहूंगा, अगर वो चाहे कि इंडिया उनके साथ है, तो वो इंडिया के लिए कोई ऐसा गलत काम ना करे कि इंडिया उनके ऊपर कोई गलत चीज कर दे। सो मोदी जी हमारे हैं जो देखते हैं ये सब। अरे भाई हम क्या करते हैं भला, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो इंडिया के लिए कोई ऐसी दुर्घटना पेश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान को खत्म करने पर मोदी जी हमारे मजबूर हो जाएंगे। That's a simple advice. हाँ, very good, very nice. तो यार इनका ये कमेंट देख के, आप ये वीडियो देखे हैं, तुम्हें क्या फील हुआ सबसे पहले तो तुम बताओ। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। पॉजिटिव भी लोग थे, लेकिन 100 में से एक आधा मिला हमें इस वीडियो पे। लेकिन आप पाकिस्तान की कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, आपको सारे पॉजिटिविटी नजर आएगी, क्योंकि हम पॉजिटिविटी में यकीन रखते हैं। नेगेटिव देखो यार, आप न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, आप उधर से चलाओगे हम इधर से चलाएंगे, दोनों का नाम निशानी रखेगा। कहीं भी आप देख लो, जितने भी चाहे, बड़ी जगह चाहे चाहे वो लोग हमसे जीते या हारे, लेकिन मुझे यहाँ तक यकीन अगर जंग होगी तो दोनों की तबाही ही होगी। दोनों ने तबाह हो रहा भाई, देखो आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल कर देख लो, कहीं भी जंगे हुई हैं तो जंगों के सोल्यूशन टेबल टॉकिंग से हुआ है। अब अगर नफरतें, अगर आप बात नहीं करना चाहते, कदा ताल्लुकी रखना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी तो फैलाए ना। जब हम आपको याद करें, हम आपके बारे में जिक्र करें, तो हम ये कहें कि यार पाकिस्तानी लोग नेगेटिव है और इंडियन लोग बहुत पॉजिटिव है, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे बहुत कम लोगों ने ये मौका दिया कि मैं ये कह सकूं कि यार इंडियन लोग बहुत पॉजिटिव है। और हम आपको कहां से दहशतगर्द लगते हैं यार, हम लोग तो प्यार करने वाले लोग हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको वेलकम करते हैं, इवन चाय पिलाएंगे जब आप। तो गाइस होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, और अगर जो आपको गलती लगी है वो हमें कमेंट में बताएं, और अगर फूड व्लॉगिंग देखनी है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इवन के अगर आपको लाहौर की ब्यूटी देखनी है तो हम आपको मुख्तलिफ जगह दिखाएंगे, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अपने होस्ट और अपने होस्ट को दें इजाजत, मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।